अनुबंध पर लाने की मांग को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे एचआरटीसी पीसमील वर्कर्स की स्ट्राइक एचआरटीसी वर्कशॉप धर्मशाला में शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रही। छठे दिन जहां एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने स्ट्राइक का समर्थन किया, वहीं एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन भी पीसमील वर्कर्स के पक्ष में आ गई है। शुक्रवार को जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह और एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मिलाप सिंह ने स्ट्राइक में पहुंचकर पीसमील कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज बताया। गौर हो कि प्रदेश में 933 के लगभग पीसमील कार्यकर्ता हैं, जिनको अनुबंध में लाने की मांग को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक की जा रही है। पीसमील कर्मचारी यूनियन धर्मशाला के अध्यक्ष विकास मेहरा का कहना है कि टूल डाउन स्ट्राइक को छठा दिन हो गया है, लेकिन सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से कोई राहत अभी तक नहीं दी गई है। अभी हमें, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, जेसीसी के अध्यक्ष का, श्री प्यारलाल जी का, जो हमारे समर्थन में पाँचवें दिन पहुँचे हैं। ये इन्होंने पूरा समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, आगे की रणनीति ये बताएंगे हमें कैसा क्या है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो अनिश्चितकालीन टूल डाउन स्ट्राइक है वो तो चलती ही रहेगी। सर, आश्वासन की बात करें तो आश्वासन इस बार मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आश्वासन नहीं चलेंगे। इस बार जो भी होगा वो रिटर्न होगा और रिटर्न ऑर्डर देने पड़ेंगे सर। जब तक हमारे रिटर्न ऑर्डर हाथ में आ जाएंगे उसके बाद हम टूल डाउन स्ट्राइक छोड़ देंगे। निगम का प्रभावित काम तो आपको सर पता ही होगा, जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, तो जिससे जो पैसेंजर हैं उनको भी मुश्किल हो रही है। फिर तो वो तो सर देखो, आज की धर्मशाला की डिवीज़न की बात करूँ तो उसमें 150 की रनिंग है, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, दिल्ली तक जाती हैं, तो इतना वजन गाड़ियों का, फिर तो 8 या 10 बंदे करेंगे तो उसका मुश्किल होगा सर। उम्मीद तो सर ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि ये तो आज दे दे ऑर्डर, तो हम आज उठने को तैयार हैं। आश्वासन तो इस बार हम नहीं लेंगे। पिछले 2 दिन पहले मंत्री मोदी जी ने देहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि इस बार आश्वासन नहीं, ऑर्डर दे दिए जाएंगे। नहीं मैम, आश्वासन पर नहीं उतरेंगे, तब तक हमारे रिटर्न में नहीं देंगे, तब तक हम कोई आश्वासन नहीं लेंगे।